इंडिया वर्सेस आयरलैंड का जो मैच है एकदम बिल्कुल स्क्वाड चेंज है। इंडिया में आप सभी को पता है जसप्रीत बुमराह का एंट्री हो रहा है भाई, बहुत साल बाद इंजरी से निकल के खेलने वाला है। और आपने देखा होगा अभी वेस्ट इंडीज़ के साथ क्या हाल हुआ। 5 मैच का सीरीज था जिसमें कि सिर्फ इंडिया 2 ही मैच जीत पाए, वेस्ट इंडीज़ ने 3 मैच जीत के सीरीज अपने नाम कर लिया। अगर आयरलैंड के साथ अगर ऐसा होता है तो फिर इस साल का वर्ल्ड कप का सपना अधूरा ही माना जाएगा। तो उसके लिए स्क्वाड पूरा चेंज हुआ है और नए नए जो प्लेयर आए जैसे रिंकू सिंह जो आईपीएल में धमाका मचाए थे, वसंगीटा सुंदर, शिवम दुबे, ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा, ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या हमें अपनी टीम में रखना है नहीं रखना है, कैप्टन क्या किसी बॉलर को बनाना है जो नए प्लेयर आया है, तो उनका आप लोग के मन में ये क्वारी चल रहा होगा, सवाल चल रहा होगा। और वो क्वारी आपका एकदम कंप्लीट होने वाला है, टेंशन मत लो, वीडियो में आपको सब कुछ बता दूंगा कि किस प्लेयर पे आपको दाव खेलना है, किस प्लेयर को आपको अपनी टीम में रखना है, किसको ड्रॉप करना है, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा विकेट लेगा, कौन सा प्लेयर सबसे ज़्यादा रन बनाएगा, क्या इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो 200 से प्लस रन बना सकते हैं या नहीं बना सकते, स्पिनर को हेल्प मिलेगा, फास्ट बॉलर को हेल्प मिलेगा, आपके ग्रैंड लीग टीम में कौन सा प्लेयर रहेगा, स्मॉल लीग टीम में कौन सा प्लेयर रहेगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में मिलेगा। और हाँ, अभी विमेंस क्रिकेट में हम लोग धमाका मचा रहे हैं, कंटिन्यू जीत रहे हैं 100 विमेंस। तो अगर आप लोग को विमेंस क्रिकेट का भी टीम चाहिए, और इंडिया वाला तो टीम दूंगा ही, तो अगर आप लोग हमारे टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हो तो अभी कर लो, लेट मत करो, फर्स्ट कमेंट पहले कमेंट बॉक्स में जाओगे, आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा पिन करके, जाओ क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, अभी ज्वाइन कर लो, वीडियो को स्किप करके सबसे पहले जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फिर वीडियो कंटिन्यू करो। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट T20 मैच खेला जाएगा, ये मैच 7:30 पे इंडिया टाइम के अनुसार खेला जाएगा, ठीक है, डुबलिन में ये मैच हो रहा है। और आपको बता दूं यहाँ पे इस पिच पे बैटिंग फ्रेंडली पिच माना जाता है, एवरेज स्कोर अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा यहाँ पे बनता है टोटल, ठीक है। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करता मुझे लग रहा है कि 200 प्लस भी रन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, तो आप सारे इंडिया बैट्समैन को अपनी टीम में रख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आप रिकॉर्ड की बात करते हो, 16 मैच हुआ है, ठीक है, यहाँ देखो जिसमें कि 7 बार फर्स्ट बैटिंग करने वाला और 9 बार सेकेंड बैटिंग करने वाला यहाँ पे जीता है, बट यहाँ पे 190 से ज़्यादा रन और 150 से कम भी रन, मतलब दो टाइप का यहाँ पे रन देखने को मिला, या तो प्लस या तो डायरेक्ट माइनस। अब इंडिया वर्सेस अगर आयरलैंड का अगर आप देखोगे जो मैच हुआ था 2022 में, 28 जून 2022 में ये मैच हुआ था, जिसमें कि इंडिया की तरफ से संजू सैमसन जो आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में दिखाई देगा, दीपक हुड्डा और सुरकुमार यादव, ठीक है, बेहतरीन पारी खेला था, सुरकुमार यादव तो नहीं खेला था लेकिन दीपक हुड्डा 104 रन का पारी खेला था। आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग, एंड्रू बाबलाइन, उसके बाद हैरी टेक्टर और यहाँ पे डॉक रेल ने अच्छा पारी खेला था। विकेट की बात करते हैं, मार्क अदेर और जसवा लिटिल जो इनके मेन बॉलर है, और यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार ने विकेट लिया था जो कि भुवनेश्वर कुमार नहीं खेल रहा है। अब यहाँ पे बात करते हैं इस पिच पे क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखो यहाँ पे 4 मैच हुआ है, इंडिया वर्सेस आयरलैंड, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, इंडिया वर्सेस आयरलैंड, इंडिया वर्सेस स्कॉटलैंड। जब अगर आप देखोगे यहाँ पे 11 विकेट लिया है फास्ट बॉलर ने और सिर्फ 1 विकेट लिया है स्पिनर ने। यहाँ पे भी देखोगे 6 विकेट लिया है फास्ट बॉलर ने, सिर्फ 1 विकेट लिया है स्पिनर ने। यहाँ पे भी देखोगे तो 8 विकेट लिया है फास्ट बॉलर ने और सिर्फ, यहाँ पे थोड़ा बराबर वाला मामला है, 8-8 का मामला है। यहाँ पे देखोगे 7 विकेट लिया है फास्ट बॉलर ने और 5 विकेट लिया स्पिनर ने। तो इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे पेसर्स जो फास्ट बॉलिंग करते हैं वो ज्यादा विकेट लेते हैं, मतलब हमारे टीम में पेसर्स ज्यादा होना चाहिए, खास करके जो डेथ में और पावर प्ले में बॉलिंग करते हैं। तो अगर देखोगे जस्ट आधा है, स्पिनर ने यहाँ पे 15 विकेट लिया है तो फास्ट बॉलर ने 31 विकेट लिया, आधे से भी ज्यादा है। तो मतलब आपके टीम में फास्ट बॉलर प्लस बैट्समैन होना चाहिए, स्पिनर के मुताबिक फास्ट बॉलर ज्यादा विकेट लेगा, लेके जाएगा। अब स्क्वाड की बात करते हैं, स्क्वाड एकदम पूरा चेंज है, वेस्ट इंडीज के साथ जो स्क्वाड था एकदम बिल्कुल चेंज है। इंडिया की तरफ से देखोगे ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल, ठीक है, ये दोनों यंग प्लेयर, ये तो CSK में खेलता है, आप सभी को पता है भाई, खतरनाक पारी। फिर संजू सैमसंग, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, शिवम दुबे या जीते शर्मा में से कोई एक खेलेगा, जीते शर्मा ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे को लग रहा है, ठीक है। वसंगीटा सुंदर है, जसप्रीत बुमराह टीम के कैप्टन है, हरदीप सिंह है, रवि बिश्नोई, मुकेश कुमार है। अब रवि बिश्नोई की जगह हो सकता है, ठीक है, या मुकेश कुमार की जगह हो सकता है, तो इनमें से हो सकता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को मौका मिल सकता है, अवेश खान को मौका मिल सकता है, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा का थोड़ा सा ज़्यादा चांस लग रहा है मुझे। ओके, और खेलेगा तो भाई ये विकेट टेकर बॉलर है, अब इसको ट्राई कर सकते हो। आयरलैंड की तरफ से तो भाई इसका स्क्वाड तो सेम है, आपको पता है ज्यादा इसमें चेंज होता नहीं, एंड्रू बाबलाइन, पॉल स्टर्लिंग, एल टकर, हैरी टेक्टर, कैंपर है, डैनली है, डॉकरेल है, अदिर है, मार्क अदिर, उसके बाद यहाँ पे बैरी
मैकार्टी है, जेसुआ लिटल है और बेन वाइट है। बात करते हैं यहाँ सीएंग है, फिनलैंड है और आर अदिर है। तो अगर इनमें से कोई खेलता है तो इनका अपडेट आपको टेलीग्राम पे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके अभी ज्वाइन कर लो। अब बात करते हैं स्टैट्स का, इंडिया प्लेयर के बारे में सबसे पहले जानते हैं और हमारे फैंटेसी टीम में कौन सा प्लेयर रहेगा, ग्रैंड लीग में किसे रखना, स्मॉल लीग में किसे रखना। ऋतुराज गायकवाड़ अगर पहले ओपनिंग करता है इंडिया तो कैप्टन बना सकते हो, क्योंकि बंदा अच्छा खेलता है, कंटिन्यू अच्छा खेलता है, ठीक है। रिकॉर्ड की बात करते हैं, यहाँ पे कोई रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन 57 रन का पारी भी खेला है, 2 मैच में रिसेंटली उतने अच्छे परफॉर्मेंस है नहीं, लेकिन आपने देख ही लिया होगा इसको आईपीएल में खेलते हुए, तबाही मचाता है। एसएसबी जायसवाल की बात करते हैं तो यहाँ पे 5 रन, उसके पहले वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में 84 रन का नॉट आउट पारी भी खेला था, ठीक है। तो 3 मैच मौका मिला जिनमें से 1 मैच में शानदार परफॉर्मेंस किया, 2 मैच में फ्लॉप गया। तो वैसे स्मॉल लीग टीम में मैं रख रहा हूँ क्योंकि आयरलैंड के साथ मैच है, बट आयरलैंड का बॉलर बहुत तगड़ा वाला है, ये याद रखना। जे लिटल जो है ना वो खतरनाक बॉलर है, वो पावर प्ले में विकेट लेके जाता है, तो थोड़ा सा खतरा मंडरा रहा है। अगर आप जिसवा लिटल को कैप्टन बना रहे हो आयरलैंड के जो बॉलर है, तो फिर आप ओपनर को ड्रॉप कर सकते हो। बाकी आज संजू सैमसन का बल्ला चलने वाला है और मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा दुनिया कैप्टन बनाएगा गायकवाड, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह। बट अगर आपको डिफरेंशियल पिक करना है, अगर आपको वन साइडेड जीतना है या अगर आपको ग्रैंड लीग में कैप्टन बनाना है, तो आप आज संजू सैमसन को ड्रॉप मत करना, आप इसको कैप्टन या वीसी भी बना सकते हो स्मॉल लीग टीम में, ये आज आपके बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई देगा। 18 का एवरेज है बट यहाँ पे देखोगे आयरलैंड के अगेंस्ट में 77 रन का पारी खेला है। उसके बाद बात करते हैं तिलक वर्मा, अगर आप देखोगे वेस्ट इंडीज के साथ जो सीरीज था इंडिया वेस्ट इंडीज, जिसमें तिलक वर्मा ने सबसे ज़्यादा रन बनाए और बेहतरीन खेला, हर मैच में परफॉर्मेंस किया। तो अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो मैं तिलक वर्मा के साथ जाऊंगा, फिलहाल अभी नहीं रखा हूं मैं अपनी टीम में, क्योंकि थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि तिलक वर्मा का बैटिंग थोड़ा सा नीचे है, बट अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो मैं तिलक वर्मा के साथ जाना पसंद करूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं रिंकू सिंह, वशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे। तो रिंकू सिंह का भी यही कहानी है कि अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है, वैसे आईपीएल में मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा विन कराए थे और रिंकू सिंह का जितने सारे प्रिडिक्शन दिए थे सारे सही था। मैंने आईपीएल में रिंकू सिंह के जब जब प्रिडिक्शन दिए कि ये सेकेंड इनिंग में अच्छा खेलता है, फर्स्ट इनिंग में फ्लॉप जाएगा, तब तब ये फ्लॉप था, और जब जब बोला कि ये आज परफॉर्मेंस करेगा तब तब परफॉर्मेंस किया था। बट यहाँ पे इंटरनेशनल मैच में मौका मिल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस करते हैं डेब्यू में, कैसा खेलते हैं नहीं खेलते हैं देखते हैं। बट अगर इंडिया पहले बैटिंग करता तो मैं रिंकू सिंह के साथ जाना पसंद करूंगा, क्योंकि अगर पहले बैटिंग करता मुझे लग रहा है कि रिंकू सिंह का बैटिंग आ सकता है, और इसका 5 छक्का तो कोई भूल ही नहीं सकते, ठीक है। हारा हुआ मैच को रिंकू सिंह ने जिताया था, तो रिंकू सिंह के बारे में मैंने बता दिया। उसके बाद बात करते हैं शिवम दुबे, ये भी बहुत अच्छा खेलता है। ये सब मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार इंडिया का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इंडिया को टॉस जीत के बैटिंग का फैसला लेना चाहिए, और अगर नहीं भी लेता है फिर भी इंडिया मुझे लग रहा है कि अच्छा जीत सकता है। T20I का मुझे बहुत ही बेटर टीम लग रहा है इस बार, और आयरलैंड को मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि अल्ट्रा क्लीन स्वीप करके जिताए, मतलब सारे के सारे बैक टू बैक इंडिया जीत सकता है। अब वशिंगटन सुंदर की बात करते हैं तो ये ऑफ स्पिनर है, यहाँ पे स्पिनर को उतना हेल्प मिलते नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि वशिंगटन सुंदर अगर 4 ओवर बॉलिंग करेगा तो रख लेना, अगर 4 ओवर ना करे तो आप ड्रॉप कर सकते हो। जसप्रीत बुमराह इंपॉर्टेंट होंगे, लेकिन देखते हैं बहुत सालों बाद खेल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस करता नहीं करता, 1 मैच में 2 विकेट। वैसे मुझे तो पूरा कैप्टन बनाने का मन है स्मॉल लीग में, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये 2 से 3 विकेट लेके जाएगा, ठीक है, और प्रेशर सिचुएशन में विकेट लेके जाते हैं। बट एक बात आपको बता दूं, अगर जसप्रीत बुमराह विकेट नहीं लेते हैं तो इसके साथ साथ जो बॉलिंग करता है वो पक्का विकेट लेके जाएगा। बाय द वे अगर अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह दोनों बॉलिंग कर रहा है एक साथ, तो अगर जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिलेगा तो ये बॉलिंग भी बहुत शानदार करेगा, तो आप अर्शदीप सिंह को कैप्टन बना सकते हो। बाकी बुमराह का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है इस वेन्यू पे। अब यहाँ पे बात करते तो मेरे टीम में बुमराह रहेगा, अर्शदीप सिंह इंपॉर्टेंट होगा आज के मैच में, मैंने कैप्टन बनाया है स्मॉल लीग में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि अगर बुमराह प्रेशर डालेगा तो अर्शदीप सिंह को विकेट मिलेगा, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे रवि बिश्नोई का रिकॉर्ड अच्छा है, अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता तो मैं इसको भी स्मॉल लीग टीम में रख लूँगा। और मुकेश कुमार की बात करते हैं तो अगर इंडिया पहले बॉलिंग करता है, वैसे ये 50-50 कॉल है, उतने खास अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया नहीं। अवेश खान, जितेश शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा, जिनमें प्रसिद्ध कृष्णा का खेलने चांस मेरे को हाई लग रहा है, राइटर मिडफास्ट बॉलिंग है,
बॉलिंग शानदार कर लेते हैं, अगर ये खेलता है तो मेरी टीम में कंफर्म रहेगा। जितेंद्र शर्मा खेलता है, अगर ओपनिंग करेगा तो ये भी मेरी टीम में कंफर्म रहेगा, बट ओपनिंग करना चाहिए। 5-6 नंबर पे बैटिंग करने आएगा तो नहीं। अवेश खान अगर बॉलिंग करेगा तो ये दत्त में बॉलिंग करता है, ठीक है। बाकी ये तीनों इंपॉर्टेंट है। शहबाज अहमद की बात करते हैं तो मैं इनको नहीं ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं आयरलैंड का जो प्लेयर है, एंड्रू बाबलाइन है, पॉल स्टर्लिंग है, एल टकर है और हैरी टेक्टर है, जिसमें कि इंडिया के अगेंस्ट में अगर आप देखोगे इसका रिकॉर्ड थोड़ा सा अच्छा है, ज़्यादा अच्छा है। बाबलाइन का 27 के एवरेज है, ठीक है। बाकी हर मैच में भी शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके बाद कहते हैं पॉल स्टर्लिंग, ये ओपनिंग करता है, ठीक है। अगर पहले बैटिंग करता है तो आप ट्राई कर लेना इसको अपनी टीम में। एल टकर की बात करते हैं, ये मेरी टीम में रहेगा क्योंकि ये अच्छा खेलता है, लेकिन बट इस वेन्यू पे बहुत ही खराब रिकॉर्ड है, 9 का एवरेज है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हैरी टेक्टर, हैरी टेक्टर की बात करते हैं 51 का एवरेज है। तो एल टकर, हैरी टेक्टर, बाबलाइन और पॉल स्टर्लिंग, ये चारों को आप रख नहीं पाओगे क्योंकि इंडिया का आपको 7 प्लेयर रखना पड़ेगा। तो जिनमें से आपको सबसे बेटर है पॉल स्टर्लिंग, आप फर्स्ट नंबर पर पॉल स्टर्लिंग रख सकते हो, दूसरा नंबर पर हैरी टेक्टर, तीसरा नंबर पर बाबलाइन। तो फिलहाल मैंने अपने टीम में ये दोनों में से कोई एक चूज करने वाला हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं, ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका ये इंपॉर्टेंट है, कैंपर को रखना ही पड़ेगा क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं। आप देखो हर मैच में विकेट भी लिया है, साथ में बैटिंग भी किया है। उसके बाद बात करते हैं डेनली, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, 20 का एवरेज है, 2 विकेट है। डॉकरेल की बात करते हैं, ये भी बॉलिंग बैटिंग दोनों कर लेते हैं, 9 मैच में 62 रन और 6 विकेट लिया। बट डेनली और कैंपर थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये दोनों सही है। मार्क अदिर इंपॉर्टेंट है, 6 मैच में 9 विकेट लिया है और ये विकेट टेकर बॉलर है। बाकी 2 मैच में 3 विकेट लिया इंडिया के अगेंस्ट में और हर मैच में विकेट लेके गया। तो यहाँ पे तो ये तीन तो फिक्स हो गया, कैंपर, डेनली और मार्क अदिर, ये तीन प्लेयर तो फिक्स है हमारे टीम में रहेगा। तो इसलिए मैं आयरलैंड का बैट्समैन पे ज़्यादा फोर्स नहीं किया हूँ। अब यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ से एक प्लेयर ये भी फिक्स है, जे लिटले, लेफ्ट आर्म मिडल फास्ट बॉलर है, 3 मैच में 5 विकेट लिया, इंडिया के अगेंस्ट में 2 मैच में 3 विकेट लिया और हर मैच में विकेट लेके गया है। अब यहाँ पे बात करते हैं बैरी मैकार्टी, जिनका रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, बहुत कम लोग ट्राई करेगा बैरी मैकार्टी को क्योंकि देखो यहाँ पे 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, बट इंडिया के अगेंस्ट में खेला नहीं है और इस वेन्यू पे विकेट लेस है। बेन वाइट की बात करते हैं, इनका भी रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है। भाई आयरलैंड का बॉलर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो इन मतलब आप हल्के में नहीं ले सकते हो आयरलैंड के प्लेयर को, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इंडिया का बैटिंग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। अब देखते हैं इंडिया का बैटिंग स्ट्रांग है और आयरलैंड का बॉलिंग स्ट्रांग है तो क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलो टीम में हम बात करते हैं, सी यंग है, फिनहैंड है और आर अदिर है, जिसमें सी यंग की बात करते हैं ये इंटरनेशनल खेल चुके हैं, काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड है, इंडिया के अगेंस्ट में 2 मैच में 4 विकेट लिया, तो इनको मौका मिल भी सकता है, ठीक है। बाकी फिनहैंड उतने ज़्यादा खास है नहीं, ये भी इतने खास है नहीं। अब टीम की बात करते हैं, मैंने एक टीम बना रखा है, आपके सामने दिख रहा होगा टीम, बस मैं इसमें कुछ चेंजेस करूंगा और वो चेंजेस आपको टेलीग्राम पे दूंगा, फाइनल टीम। फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, अभी क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ, जहां पे हम विमेंस क्रिकेट का भी टीम देते हैं और मैं और इंडिया का भी टीम देंगे, ठीक है, और हम लोग कंटिन्यू जीत भी रहे हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं, देखो मैंने एक टीम बना रखा है जिसमें कि संजू सैमसंग, सिसवी जायसवाल, रिंकू सिंह और गायकवाड़ है, यहाँ पे रवि बिश्नोई, मार्क अदिर, जसवाल लिटल, देखो 4 प्लेयर मैंने रखा है फिलहाल, ठीक है। यहाँ पे हसदीप सिंह है, बुमराह है, लेकिन यहाँ पे मैं एक दो चेंजेस करने वाला हूँ। एल टकर जो है, मैंने इसको इसलिए रखा है क्योंकि ये विकेट कीपिंग भी करेगा, रन से भी पॉइंट देके जाएगा, लेकिन इससे बेटर मेरे को चॉइस लग रहा है, बेटर, मैंने आपको एक प्लेयर का नाम बताया ना जिनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, ठीक है, वो है बैरी मैकार्टी। अगर आयरलैंड अगर पहले बॉलिंग करता है, आयरलैंड अगर पहले बॉलिंग करता है तो एल टकर के जगह मैं इसके साथ जा सकता हूँ, और अगर आयरलैंड पहले बैटिंग करता है तो हम फिर एंड्रू बाबलाइन, पॉल स्टर्लिंग या हैरी टेक्टर, ये तीनों में से किसी एक को हम अपनी टीम में जगह दे देंगे, ठीक है। और फिर हम, हो सकता है कि इनमें से कोई एक बॉलर को भी ड्रॉप करके हम ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों बॉलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर एल टकर के जगह हम इनमें से किसी एक को मौका दे सकते हैं। कैप्टन मैंने हसदीप सिंह को बनाया, बुमराह को भी बनाने का पूरा मन कर रहा है, अगर पहले बॉलिंग करता हो सकता है मैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन ये दोनों को कर दूँ। वाइस कैप्टन मैंने गायकवाड़ को बनाया है, बट मुझे संजू सैमसंग थोड़ा सा ज़्यादा सेफ लग रहा है 4 मेंबर के लिए, हेड टू हेड के लिए ये सही है। तो अगर इनमें कोई चेंजेस हुआ तो फाइनल टीम टेलीग्राम पे दूंगा, फर्स्ट कमेंट में टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन हो जाओ। बाकी ये हेड टू हेड के लिए ये भी टीम बहुत ही परफेक्ट है, अब इसके साथ भी जा सकते हो, ओके।
अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज एक लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं स्टूडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर